व्हाट इज इन्फेक्शन, हु विल डिफाइन, एनीवन बताइएगा। एक सीधा साधा लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में, बाद वो आ जाता है आप लोगों के ग्रुप में, साल भर बीतता नहीं है कि पढ़ाई गायब, दो चार दस तरह की बुरी आदतें लग जाती है, भाषा बदल जाता है, बात करने की शैली बदल जाती है। ये जो उसके अंदर बदलाव आया है, इज इट इन्फेक्शन? तो कौन से बैक्टीरिया का आया, कौन से वायरस से आया, प्रोटोजोआ, अमीबा, क्या आया, क्या आया? संगति का असर तो हम समझ में आया गया, विल इट बी कॉल्ड एज इन्फेक्शन? देखो, इन्फेक्शन इज अ वेरी बिग टर्म। व्हेन यू यूज इन्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ इलनेस, स्पेशली कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके इन्फ्लुएंस की बात जब करते हो, देन यू आर डिस्क्राइबिंग जस्ट ए पार्ट ऑफ इन्फेक्शन, नॉट द इन्फेक्शन इन इटसेल्फ। एनीवन गेटिंग सम टाइप ऑफ चेंजेस बाय इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर थिंग्स, देन द चेंजेस इन हिम इज कॉल्ड ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। मच बिफोर द डिस्कवरी ऑफ योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द टर्म इन्फेक्शन वॉज देयर एट दैट टाइम ऑल्सो। और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप और एलाइड साइंस का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे हमने सपोज कर लिया उस रिलेटेड थिंग्स को कि इस ये जब वहां जा रहा है तो इन्फेक्शन होगा। बहुत सारा ऐसा इन्फ्लुएंस है जहां अभी भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सोर्स को, बट स्टिल दे आर कॉल्ड इन्फेक्शंस। एफरिज्म नंबर 11 में हनीमैन ने बहुत अच्छे से इन्फेक्शन को बताने की कोशिश की है, बट दैट डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन विल नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाई योर डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी। ऑर्गन की किताब है, एफरिज्म 11 पढ़ा है, एफरिज्म नंबर 11 में फुटनोट पे जाओ जहां पे व्हाट इज डायनामिक्स लिखा हुआ है, उसी में नीचे में देखो, हनीमैन ने इन्फेक्शन वर्ड को यूज किया है। When your vital force gets deranged by a dynamic cause, that is also infection. When your vital force gets influenced for correction by a dynamic cause, that is medicine, this is also an infection. One infection deranges the equilibrium of vital force. Another infection correct the dearranged vital force into equilibrium also by infection. So initially if you will see that whenever you are getting influenced by anything, chahe wo person ho, chahe wo art ho, chahe wo koi feelings ho, and when that influence makes change within you, these all changes are nothing but the result of infection. So microorganism is just a part of your definition of infection. It is not as completely that infection is only limited to microorganism. और इसी में आपका वो example भी आ जाएगा जो अभी हमने आपसे बोला। आप last class में I think हमने बताया था Leo Tolstoy के बारे में, याद है? नहीं, चलो कहीं और बोला होगा। लियो टॉल्स्टॉय का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना। लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब है, वार एंड पीस की बात नहीं कर रहे, एक और पतली सी किताब है जिसका नाम है आर्ट। अभी मौका लगे तो उसको खोल के देखिएगा। उसमें लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि आर्ट इज इन्फेक्शियस, आर्ट इज इन्फेक्शियस, द मोर इन्फेक्शियस the greater the art, the more infectious, the more valuable is the art. अगर आप थोड़ी देर के लिए इस मेडिसिन के वर्ल्ड से बाहर निकलो और जाके देखो आर्ट्स गैलरी में या अलग अलग, किसी की पेंटिंग बहुत महंगी बिक रही है, किसी की पेंटिंग कम प्राइस में सेल हो रही है, किसी की पेंटिंग ऐसी रोड पे पड़ी हुई है, तो ये जो सोसाइटी में जो वैल्यू डिसाइड हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सिर्फ
पेंटर्स के नाम की वजह से या पेंटिंग में बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल यूज हुआ इसी वजह से? व्हाई? व्हाट मैसेज द पेंटर आर ट्राइंग टू गिव इन हिज पेंटिंग इन हिज आर्ट एंड हाउ फार दोज मैसेज आर परसीव्ड बाय द सोसाइटी दैट डिसाइड एक्चुअली द वैल्यू ऑफ दैट आर्ट देन हाउ सोसाइटी परसीव दिस. किसी पेंटिंग को देखो आपका उदास मन खुश हो जाएगा, किसी पेंटिंग को देखो आपकी खुशी महीनों के लिए गायब हो जाएगी, किसी पेंटिंग को देखो आप बहुत सोचने पे मजबूर हो जाते हो, होता है ना? तो कौन सा बैक्टीरिया आपके अंदर ट्रांसफर करके आपके अंदर ये साइकोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है? यहां पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहा है? एंड दिस quality of art Leo Tolstoy says is infectious. एक आर्टिस्ट के अंदर था, उसने एक ड्रॉ किया, अब वो सोसाइटी में कितनों में फैलेगा, कितनों में जाएगा, कितने लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे. This is also art. ये आर्ट सॉरी इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन इसलिए आपको बता रहे थे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैजम का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, बस छोटा सा बताएंगे, बहुत डिटेल्स भी इसमें नहीं जाएंगे आपको. तो आप लोगों ने इन्फेक्शन का मतलब जो है वो बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में अपने आप को फिक्स कर दिया है कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है इसका मतलब देर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ये इफेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ अमीबा एक्स वाई जेड ये है, यही ट्रांसफर हो रहा है. अगर हिस्ट्री में जाके देखोगे, जैसा कि हमने बताया था बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ जर्म थ्योरी, उसी इन्फेक्शन को लोग मैजम कहते थे, मच बिफोर हनीमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैजम, ये पढ़ा दिया था हमने पहले. फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, उस सोर्स को आइडेंटिफाई करने लगे, तो अब उस इन्फेक्शन को, उस मैजम को हमने बदल के इन्फेक्शन के लिए सोर्स क्या कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हनीमैन ने भी जब मैजम की बात की तो उसने कहा इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस. रूट में अगर जाके देखोगे सोरा सिफिलिस साइकोसिस, तो उसने नो डाउट वहां पे इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने का एक कॉन्सेप्ट बताया. चाहे आप माइट ले लो, चाहे वो आप सिफिलिस ले लो, चाहे आप गनोरिया ले लो, एवरीथिंग इज डेवलप्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट ये जो सिफिलिस स्कैबीज गनोरिया, जब तक ये डिजीज की बात हम कर रहे हैं, डिजीज सिफिलिस, देन इट इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोमा पैलिडम. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजीज गोनोरिया, देन देर इज गोनोकोकाई. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैबीज, देन दिस इज नो डाउट दिस स्कैबीज माइट. बट डिजीज सिफिलिस एंड मैजम सिफिलिस आर नॉट द सेम. वेन इट कम्स the concept of miasm, then it is beyond that domain of your microorganism. Presence of microorganism is identified by your laboratory phenomena. आप चाहे वहां पे कल्चर करके निकालो एक्स वाई जेड, but the transfer of the influence of, for example, syphilitic miasm from generation to generation, no one is able to, no one can say or identify by any means of your laboratory examinations that there is presence of this trypanoma pallidum, but still the effects are going on. So miasm is infectious, no doubt. But keep in mind, whenever I am saying infection,
that doesn't mean always there is transfer of some material substances in the form of microorganism, chahe wo virus ho, bacteria ho, ya kisi bhi form mein ho. Agar aapko ye Leo Tolstoy ki baat samajh mein aa jaye, then you will be able to understand when Hahnemann says miasm, infection but without microorganism. ये कंफ्यूजन इसलिए भी है कि वही कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शंस को लोगों ने फिक्स कर दिया दैट देयर इज ट्रांसफर ऑफ समथिंग. ये कंफ्यूजन इसलिए भी बहुत सारे लोगों में डेवलप हो रहा है कि द इन्फेक्शन ऑफ डिजीज इज नो डाउट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट डिजीज एंड मैजम आर नॉट वन एंड द सेम. आपको अगर याद हो हमने शुरू में एक मोड ऑफ इन्फेक्शन बताया था, आपको याद है मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन. यहां पे हम वो सब इनको पीरियड को हमने हटा दिया है. प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के बाद क्या हुआ, ये फिक्स्ड आया यहां तक, ये आपके डिजीज का पार्ट है, यहां तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, यहां तक मायाजम का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है क्लियरली. अब क्या होता है कि व्हेन दिस प्राइमरी मैनिफेस्टेशन आर सप्रेस्ड और रॉन्गली ट्रीटेड, नाउ दीज फोर्सेस गोज अगेन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. अब यहां पे जाके वो मायाजमेटिक टर्मोइल बनाता है. इफ एट दिस प्लेस यू आर यूजिंग एंटीबायोटिक, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी किल्ड, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी किल्ड. आफ्टर दैट यू विल नॉट फाइंड इन एनी कल्चर एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट मायाजम डेवलप्स. इफ इट इज यू आर ट्रीटिंग हेयर विथ एंटीबायोटिक्स, the microorganism is finished but mayasm begins. If microorganism finished, then how mayasm begins? If this mayasm is correlated with or is synonymous with microorganism, then now who is carrying it forward? Baat samajh mein aa rahi hai? Agar aapne yahan pe proper antibiotics, antiviral, xyz jo bhi anti aapne use kiya, तो उसके बाद ये तो खत्म हो जाएगा, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन भी खत्म हो गया. आपको फिर से एक बार थोड़ा सा दिखाएंगे 99 एग्जांपल्स क्रोनिक डिजीज में हनीमैन ने दिया है. व्हेन समवन इज हैविंग ए डिजीज, वहां पे सोरा के बारे में सबसे आगे दिया, और एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, स्कैबीज हुआ फॉर एग्जाम्पल, आपने उसके ऊपर मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट लगाया, अब वहां से वो माइट का प्रेजेंस तो खत्म हो गया, जो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था आपने तो उसको किल कर दिया और उस टाइम पे वो तो खत्म हो गया, लेकिन मायाजम डेवलप तो उसके खत्म होने के बाद ही हुआ. तभी तो हनीमैन ने इतना एग्जांपल दिया कि इन सारे चीजों का जब रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ, आपने इसको सरफेस से रिडिकेट कर दिया, अब आपके कल्चर में यहां पर कोई भी प्रेजेंस ऑफ नहीं है. अब वहां पे कहता है कि अब ये चीजें जाके इस तरह से मोर वाइटल ऑर्गेन्स को अफेक्ट कर रहा है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर गया, अब ये लीगेसी कौन बढ़ा रहा है? आपके सबसे ज्यादा यहां पे ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक ले लो, इन्वायरमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, हम प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को अनहोम्योपैथिक, एक्सेप्ट जो हनीमैन ने तीन स्पेसिफिक रेमेडी बताया है, सल्फर, मरकरी और पूजा नाइट्रिक एसिड. ये एक पैटर्न बताया है कि जिससे न सिर्फ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होगा बल्कि ये फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मायाजम भी, बिकॉज ऑफ दिस डायनामिक मेडिसिन. वो डायनामिक ट्रांसफर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मायाजम के फॉर्म में आप जब जा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा. अगर आपने ये नहीं दिया है, इससे ट्रीट किया है, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया लेकिन मायाजम शुरू हो गया. तो मायाजम जो कॉन्सेप्ट
हनीमैन ने दिया है वो तो शुरू ही होता है जब आप सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे रहे हो, जब आप सर्कुलेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे रहे हो, उसके बाद ही तो ये शुरू हो रहा है। अगेन उसके बाद भी अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज इसको पैरेलल और इक्वल टू माइक्रोमाइज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही रखते हैं, देन हाउ फार इट इज जस्टिफाइड। समझ में आ रही है भाई साहब? गर्दन ऐसे 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 कर रहे हो, इज इट क्लियर अप टू हियर? ये एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दिया है आपको किस चीज को समझने के लिए। एक कॉन्सेप्ट ऑफ माइज्म शुरू ही होता है जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हो। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होता है तो यहां पे तो डिजीज का ही फर्दर डेवलपमेंट होता चला जाएगा, उसकी डिटोरेशन होगी, ये अपने फेट के ऊपर जाएगा। और जब तक ये स्टेज ऑफ डिजीज डेवलप होता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक सिर्फ बीमारी बढ़ती रहती है, बीमारी का इफेक्ट बढ़ता रहता है। अभी माइज्म और सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द माइज्म वहां पे डेवलप ही नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस यू हैव इरेडिकेटेड दिस प्रोसेस विद अनहोम्योपैथिक मेडिसिन। यहां तक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटेरियल सब्सटेंस इंफेक्शन जो आप पैथोलॉजी में पढ़ते हो वो वैलिड है। दिस इज व्हाट वी से, व्हाट Dunham says this homeopathic pathology, then this homeopathic pathology का जब understanding आप develop करने जाओगे तो जहां पे उस modern pathology में cause and effect microorganism and disease का ये जो phenomena खत्म होता है, जहां से वो materialistic relation जिसको आप आंख से देख सकते हो, जिसको आप laboratory में रीवेरीफाई कर सकते हो, वो प्रोसेस जब खत्म होता है वहां के बाद तो एक्चुअली होम्योपैथिक पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। एंड एज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथिक पैथोलॉजी इज कंप्लीटली डायनामिक, सो योर पैथोलॉजिकल टेस्ट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ जस्टिफाइंग इट, वेरीफाइंग इट, सी इट और शो इट। और तभी आप इस ट्रांसफर ऑफ माइज्म को किसी टेस्ट में, किसी लेबोरेटरी में जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट लीगेसी वहीं से चली आ रही है। डायनामिक जब आप कहते हो, आप एफरिज्म नंबर 9 को थोड़ा सा आप अगर पढ़ के देखोगे क्या कहते हैं, स्पिरिट लाइक इमटेरियल, डायनामिक तो है ही है, इफ इट इज इमटेरियल, इफ इट इज इमटेरियल then can you able to see it, will you able to touch it, smell it, taste it, all your five senses are not able to identify it। और तभी उसी footnote में देखोगे हनीमैन ने कहा vital force से related पहले कि it is a conceptual force, conceptual that means recognized by concept Not by your five senses। अगर वो एफरिज्म पढ़ के नहीं आए हो तो आपको फिर समझने में दिक्कत होगी, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, उसको हम दोबारा अभी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, नहीं तो फिर ये यही रह जाएगा। और ये कॉन्सेप्चुअल क्यों है पता? बिकॉज ऑफ दिस, अगर उसके अंदर मास होता तो आपके सेंसेस के थ्रू वो आइडेंटिफाई हो जाता। अब आप एफरिज्म नंबर 11 में देखो हनीमैन क्या कहता है, माइज्म को डायनामिक है या ए डायनामिक है, डायनामिक है या ए डायनामिक है? एफरिज्म नंबर 11 का सेंटेंस पढ़ के देखो, पहला सेंटेंस पढ़ के देखो, वाइटल फोर्स इज प्राइमरीली डिरेंज्ड बाय डायनामिक इन्फ्लुएंस इनिमिकल टू लाइफ, एंड दैट डायनामिक इन्फ्लुएंस इनिमिकल टू लाइफ व्हाट वी से माइज्म। तो अगर ये माइज्म भी इमटेरियल है, डायनामिक है, तो ये भी तो कॉन्सेप्चुअल ही हुआ, तो आप इसको लेबोरेटरी में कैसे देखोगे? तो अगर ये इमटेरियल है, अगर ये कॉन्सेप्चुअल है, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप जो माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वो चाहे बहुत माइन्यूट है,
बट वो एक अपना शेप, एक अपना साइज, एक अपना मास रख तो रहा है, तभी तो आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है वो। तो अगर वो मास, वो शेप रख रहा है, तो फिर वो इमेटेरियल कैसे हुआ, फिर वो कॉन्सेप्चुअल कैसे होगा? और तभी वो मास इस स्टेज पे आके खत्म हो जाता है, बट उसके जो इन्फ्लुएंस रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट हनीमैन सेज द मीनिंग ऑफ वर्ड मास एंड स्टेन, डायनामिक स्टेन। वो स्टेन नहीं जो आपको इंक कपड़े पे गिर जाता है तो दिखने लगता है ना, सर्फ एक्सेल से जिसको साफ करते हो, दाग अच्छे हैं, दैट इज नॉट दैट स्टेन, इट इज ए डायनामिक स्टेन। डायनामिक स्टेन वाई कि अब वो धब्बा नहीं दिख रहा, लेकिन उस धब्बे का एक स्ट्रेन, अनसीन इफेक्ट्स जो है वो कंटिन्यू है, वो अनसीन इफेक्ट्स दैट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, दैट इज ओनली बी कॉन्सेप्चुअलाइज, दैट ओनली बी अंडरस्टैंड बाय, दैट ओनली बी कॉग्नाइज्ड बाय इट्स इन्फ्लुएंसेस, इट्स इफेक्ट। एम आई क्लियर? अब इसका एक तीसरा जस्टिफिकेशन आपको दिखाएंगे, एफरिज्म नंबर 16 पे आ जाओ। पढ़ा है आप लोगों ने एफरिज्म 16? हाँ, सिर्फ पढ़ा ही होगा, पता नहीं होगा, इस बात का पता है, इसलिए आप एक बार जोर से इसको पढ़ो। एफरिज्म नंबर 16 में कहता है, एक कोई भी एक डायनामिक फोर्स, वो सिर्फ एक डायनामिक फोर्स से ही इन्फ्लुएंस्ड होगा। एक डायनामिक फोर्स, एक डायनामिक फोर्स से ही इन्फ्लुएंस्ड होगा, चाहे उस फोर्स को खराब करना हो तो, चाहे उस खराब फोर्स को करेक्ट करना हो तो, दोनों ही सूरत में देयर इज नीड ऑफ डायनामिक रिसोर्सेज। खराब करने वाले रिसोर्स को हम कहते हैं इनिमिकल टू लाइफ, नेचुरल मॉर्बिफिक एजेंट, और ठीक करने वाले को हम कहते हैं आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट। ठीक करने वाले का दूसरा नाम हो गया मेडिसिन, खराब करने वाले का नाम हो गया मैजम। यही है, एक बार पढ़ लो जोर से। हॉरिजन नंबर 16, अवर वाइटल फोर्स एज ए स्पिरिट लाइक डायनामिस्ट कैन नॉट बी अटैक्ड and affected by injurious influences on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life. Otherwise, then in a spirit-like, dynamic way and in like manner, all such morbid diseases. Otherwise, in a spirit-like, dynamic manner. Why? Because it is immaterial. That's why it is only conceptual. Otherwise than in a spirit-like, dynamic way and in like manner, all such morbid arrangements, disease, cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like, dynamic, virtual, alternative powers of the serviceable medicines acting upon our spirit like bus force. समझ में आ गया? अभी अभी जो हमने बताया था, vital forces dynamic, immaterial, spirit like. ठीक? So it can be influenced by dynamic, immaterial, spirit like power. These dynamic spirit-like power are when it is called natural, that is miasm, morbific agent, artificial, that is called medicine. Medicine is also morbific. It is also having capacity to disturb the vital force. Miasm is also having the capacity of disturbing the vital force. एक के लगने से जब इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हम आर्टिफिशियल यूज करते हैं, वैसा ही प्रोड्यूस करके, ताकि उसको दूर किया जा सके। तो क्या मिला आपको? ये भी एक नेचुरल फोर्स है, बट स्पिरिट लाइक है, इमेटेरियल है, डायनामिक है। तो फिर मास कहां से आएगा? फिर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो देखोगे, वो आपको जो दिख रहा है एक्चुअली
दैट इज नॉट मायाज्म, दैट इज नॉट मायाज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है, बट दैट इज नॉट मायाज्म. मायाज्म इज अ डायनामिक क्वालिटी दैट मे बी रिलेटेड टू दैट योर सो कॉल्ड रिसोर्स. अब सपोज करो, अब दूसरा एक और इसी के अंडरस्टैंडिंग पे यहां पे आ जाओ. सपोज करो हम आपके पास यहां पे एक दो तीन ड्राइंग, बहुत अच्छा है ना, हाँ तारीफ करते रहना. ये क्या है, चाय होता तो टेबल पे होता ना. ग्लोब्यूल्स अभी बोला था ना, ड्राइंग अच्छा है मेरा. अब इन सब में ग्लोब्यूल्स है, लेकिन एक को कहते हो आप ब्रायनिया, दूसरे को कहते हो आप बेलाडोना, तीसरे को कहते हो आप रस्टॉक्स. कौन से माइक्रोस्कोप से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें ब्रायनिया है, इसमें रस्टॉक्स है, इसमें बेलाडोना है? कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करके पेपर पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर, ऐसे आइडेंटिफाई करके बताओगे. लेकिन आप इसी गोली को कहते हो ब्रायनिया, उसी गोली को कहते हो बेलाडोना, दूसरे कंटेनर में जो है, तीसरे कंटेनर में वही गोली है, उसको आप कहते हो रस्टॉक्स. अब अगर आप थोड़ा सा अपने अंतरात्मा को शांत करके, कॉफी पी क्या हो तो मेरा कहां है, चलो आप उस गोली को कह रहे हो बेलाडोना, इज इट बेलाडोना, इज दैट ग्लोबुल्स इज बेलाडोना, एनीवन? अरे हाँ ना तो बोलो, गुस्सा हो. बेलाडोना इज डायनामिक इमटेरियल, इट कैन नॉट बी सीन. व्हाट यू आर सीइंग इज द ग्लोबुल्स, दैट ग्लोबुल्स कैरिंग इन इटसेल्फ अ डायनामिक प्रॉपर्टी टू विच यू आर कॉलिंग बेलाडोना. बेलाडोना उस पावर का नाम है जो उस ग्लोब्यूल्स में इंपार्टेड है थ्रू द मीन्स ऑफ योर ब्यूटिफुल फार्मेसी. अभी भी क्लास का हुआ है ना, आप जिस ग्लोब्यूल्स को कह रहे हो ब्रायनिया, ये ब्रायनिया है नहीं, ये ग्लोब्यूल्स है. आप जिसको कह रहे हो रस्टॉक्स, ये रस्टॉक्स है नहीं, ये क्या है, ये ग्लोब्यूल्स है. बाहरी तरफ से तीनों एक जैसा ही दिख रहा है. आपको नाम ऊपर से टैग लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि आपने इसके अंदर एक ऐसा अनसीन पावर इंपार्ट किया है जो बाहर से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता. आपने उसके ऊपर इसलिए टैग लगा के रख दिया है कि ये तो ये है, बट इसके अंदर हमने एक अनसीन फोर्स डाल दिया है. अब वो अनसीन फोर्स फिर अगर ये टैग हट गया, मिक्स हो गया, तो आप तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे. सो यू हैव टैग्ड इट एंड नाउ यू आर कॉलिंग दिस फाइल एज बेलाडोना, बट दिस इज नॉट बेलाडोना. दिस ग्लोब्यूल्स एज बेलाडोना, बट दैट इज नॉट बेलाडोना. व्हाट इज बेलाडोना, दैट इज नॉट सीन बाय यू, दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय यू until and unless you go through a process of drug proving to see what it carries inside in the form of dynamic power. To know this, you have to only one method, and that is called drug proving. Jab healthy human being pe jaake dekho ki ye kis tarah ka utpad macha raha hai, aur us sare utpad ko jab aap ek ढांचे में डालोगे, तब आपको लगेगा करे मेट्रिया मेडिका में जो एक उत्पाद का फिक्चर दिया हुआ है ये उससे मैच करता है जिसका नाम बेलाडोना है, तो ये बेलाडोना हुआ. एफोरिज्म नंबर 21 पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा. बाय नो अदर मींस, बाय नो अदर रीजन यू कैन आइडेंटिफाई द हिडन पैथोजेनेटिक पावर of any substance, whether in its own stage or whether it is imparted in forms of globules. Am I right? तो जो आप देख रहे हो वो बेलाडोना नहीं है, लेकिन कहते आप उसी को बेलाडोना.
चलो ये तो बात हुई यहां की हमारी, अब आप लोग जिसमें माहिर हो उसकी बात करते हैं। पैथोलॉजी पास करके आए हो ना खुद से, या अंकल वगैरह हैं जान पहचान वाले? नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस नाम सुना हुआ लग रहा है राहुल? कितने टाइप का होता है जी? क्या उसमें सब वैरायटी एक ही जैसा हार्म प्रोड्यूस करने वाला कैपेसिटी रखता है, जिसको आप कहते हो ना विरुलेंस? क्या सबकी विरुलेंस एक जैसी होती है बगैर किसी ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई किए हुए? आप अपने बेस्ट ऑफ पैथोलॉजी के नॉलेज से बताओ, कौन सा ऐसा टेस्ट करके बता दोगे बगैर किसी ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई किए हुए, इसकी विरुलेंस ज्यादा है, इसकी विरुलेंस कम है? कैसे आप विरुलेंस को आइडेंटिफाई करोगे ये बताओ, रंग देख के, शक्ल को देख के? पैथोलॉजी पढ़ा हुआ है ना, या ऑर्गेनन के तरह ही पढ़े थे? तो शेप से आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि आपने उसका इफेक्ट एक जगह देख चुके हो, तो आप बोलो ये वाला ये है इसलिए ये ऐसे करता है। वो तो इफेक्ट देखने के बाद, विरुलेंस को कौन से माइक्रोस्कोप में देखोगे? क्यों नहीं देख सकते? ऑफ कोर्स इट इज इट्स डायनामिक क्वालिटी। मतलब ये कि वो जो आप देख रहे हो माइक्रोस्कोप में, ये समहाउ लाइक दैट ऑफ दिस ग्लोब्यूल्स। वो ग्लोब्यूल्स इस वाले बॉक्स का हो सकता है, इस वाले बॉक्स का हो सकता है, इस वाले बॉक्स का हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, स्ट्रेफाइलोकोकस हो सकता है, ट्रिपेनोमा हो सकता है, एक्सवाइजेड। वो जो शेप, अब कोई कोई स्मार्ट डॉक्टर क्या करते हैं ना कि एक राउंड वाला गोली यूज करते हैं, कोई टैबलेट फॉर्म में यूज करते हैं, कोई लाल कलर का, कोई पीला कलर का। आप यूज कर सकते हो कभी कभी पेशेंट को जब मल्टीपल वैरायटीज में देना होता है, तो ये तो आपको पता होता है कि ये आप क्यों यूज कर रहे हो, लेकिन क्या यूज कर रहे हो वो तो फिर उसके अंदर जो किया हुआ है वही पता चलेगा ना। तो शेप जो आप देख रहे हो, जो आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, इट इज समहाउ सिमिलर टू दैट ऑफ लाइक दिस कंटेनर कंटेंस व्हाट, बट जो बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है, जो वो इंफेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज ए डायनामिक क्वालिटी इनसाइड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी। दैट डायनामिसिटी इन्फ्लुएंसेस योर डायनामिक वाइटल फोर्स। सो व्हाट यू आर सेइंग स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस एक्स वाई जेड इज जस्ट लाइक ए कंटेनर, like your globules is a vehicle, is a medium through which it is carrying forward. It is in itself not the true enemy. The true power is inside that. Inside that you cannot see. You cannot see because it is the dynamic quality that is within that microorganism. That dynamic quality is interfering with your dynamic vital force. When you are countering with dynamic medicine to correct this. Am I right? So, अभी तक जो आपको हमने बताया, ये सिर्फ हमने अभी आपको ऑर्गेनन क्रोनिक डिजीज इसके एग्जाम्पल से ये इस बात को बताने की कोशिश की है कि sometimes superficially what appears to you is not the whole truth. बहुत सारे समय जो दिखता है वही सच हो ऐसा नहीं है। There are many things that is unseen that defines the truth. That unseen phenomena, that sound that motivate that, actually they are responsible for defining the truth rather than these visible actions. Kabhi mauka laga, time raha, to iske upar bhi hum anginat examples aapko denge. Ek chota sa story batate hain aapko. Batao, kahani sunne mein to aap log neend turat khul jati hai. Do bachcha apne father ke sath aaya, aapke OPD mein baitha.
आप पेशेंट देख रहे थे और दोनों बच्चा बहुत रेस्टलेस तरीके से आपके क्लिनिक पे आपके ओपीडी में इधर उधर सामान को कर रहा है और आप देख रहे हो कि उसका फादर उसके साथ में चुपचाप बैठा हुआ है, वो उसको डांट भी नहीं रहा और बच्चा परेशान कर रहा है। आप पेशेंट देख रहे थे, आपको इरिटेशन हुआ, आप गुस्से में आ गए, आ ही जाओगे, गुस्से में आए, बाहर आके बैठे, उसको कुछ बोलने के लिए फादर को समझाओ। आपने जैसे फादर से पूछा कौन है, कहां से आ रहे हैं, कैसे हैं, तो अभी अभी पता चला कि जस्ट कुछ देर ही पहले वो पर्सन अपने बीमार वाइफ को जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मर चुकी, उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करके और बच्चों को लेके यहां पे आया है कुछ कंप्लेन के लिए। सिर्फ अभी आपने बात सुना है, आपका इमोशन बदल गया, आपका रिएक्शन बदल जाएगा। आप देख के तो यही आए थे कि बच्चा बदमाशी कर रहा है, बच्चे के साथ साथ फादर की भी क्लास लेने के लिए आए थे। व्हाई योर रिएक्शन चेंज जस्ट बाय नोइंग सम अनसीन फेनोमेना दैट सराउंड दैट फेनोमेना। अब वही बच्चे को जिसको डांटने आप आए थे, आप उसको शायद प्यार करने लगोगे, समझाने लगोगे, कुछ उसके साथ साथ थोड़ी देर आप भी खेलने लगोगे बहलाने के लिए। व्हाई योर एक्शन चेंज्ड जस्ट बाय नोइंग सम अनसीन फेनोमेना। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट व्हाट यू आर सीइंग इज द रियल ट्रूथ। एक घर में एक 8 साल की बच्ची है, मामा आते हैं चॉकलेट लेके, बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं, वही बच्ची प्लेग्राउंड में जाती है, एक अननोन पर्सन बाहर से उस बच्चे को चॉकलेट देने की कोशिश कर रहा है, बोथ आर सेम, चॉकलेट तो दोनों ही दे रहा है, बोथ आर सेम। कि आप वो जो दूसरे वाले इंसिडेंस में चॉकलेट देना, अब पहले वाले इंसिडेंस में चॉकलेट देना, दैट डज कैरिंग द सेम मोटिव द अनसीन फेनोमेना। एक बच्चे के लिए फायदेमंद हो सकता है, दूसरा अनसीन फेनोमेना। खैर, फिर अगली बार अगली क्लास में मिलते हैं। आज हाथ बांध के बैठे हैं डॉक्टर साहब, सब खैरियत है? बोला आप कुछ भी पढ़ाइए हम तो। अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसीन फेनोमेना, बट इट माइट नॉट बी दैट शी इज नॉट मेंटली rejecting my concept, but there is some physical circumstances that compel her to नहीं। इसीलिए भी कहा जाता है कि sometimes when you examine body language, then it is not that what you have read in your textbook, you will apply it directly, because before diagnosing the body language, you must have to know the accessory circumstances, unseen phenomena। एक और एग्जाम्पल दो, अभी आप इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम पढ़ रहे थे ना, कोई एग्जाम्पल पढ़ा उसमें? दो फैमिली आपके पास आई है, दोनों फैमिली में देखा दो अलग अलग लोग जो आए हैं, बोथ हैव एक्सट्रीम, चलो फिर नहीं, हम एक ड्रीम की बात करें, ड्रीम ऑफ ए स्नेक, दोनों को। एक पर्सन वो है जो आपके इस नोएडा ग्रेटर नोएडा में किसी एक हाई फाई सोसाइटी में बचपन से वहीं रह रहा है, 15-20 साल का है, वहीं रहा है, और एक बच्चा एक उड़ीसा का रहने वाला है, सपोज कर लो, अब स्टेट वाइज बहुत फिक्स मत जाना, जंगलों के बीच इनकाउंटरिंग सो मच अप एंड डाउन, सो मच एनिमल थ्रेट्स आर देयर। अब केस टेकिंग के बाद दोनों आप देखो, दोनों के अंदर आया ड्रीम्स ऑफ ए स्नेक, इंटरप्रिटेशन, ईगो सुपरवाइजर भी पढ़े हो ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम क्या होगा आपका दोनों केस में? वो तो देखता भी होगा अगर नॉर्मल लाइफ में, तो उसका तो मतलब इतना वो नहीं दे सकते, मतलब आपको स्नेक मतलब अगर उसने बहुत जगहों पे इनकाउंटर कर लिया हो, स्नेक से डर गया हो,
अब वो सपने में स्नेक देखता है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस एंड दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रिस्क्राइबिंग। बट जिसने वैसा कोई भी इनकाउंटर नहीं किया और उसके भी ड्रीम में अगर आ रहा है, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अनसीन फेनोमेना। ये तो एक एग्जाम्पल बताया है। वट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ हैविंग ए स्नेक इन ड्रीम? अभी अभी तो फ्रॉड पर हो, इड ईगो सुपर ईगो। अब पूछना मना तो नहीं है ना, पूछना मना नहीं है ना, इजाजत है। उसमें भी होता है कि जैसे अगर आपने स्नेक देखा तो आपने क्या देखा कि आप उसके आपके आसपास है, आपको काट रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोलो? तो बेसिकली ये देखिए, आप बस फ्रॉइड को पढ़ रहे हो, अब थोड़ा सा कार्ल गुस्ताफ यंग को भी पढ़ लेना। कंफ्यूजन था। कार्ल गुस्ताफ यंग की एक किताब आती है जिसको कहते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म पढ़ोगे और थोड़ा सा पढ़ोगे, एक पार्ट है, फिर हमें वही बोले कि इसको कंप्लीट मत समझ लेना जो अभी बोलने जा रहे हैं, वो एक पार्ट है। हैविंग स्नेक इन ड्रीम रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम योर सबकॉन्सियस माइंड ए मैसेज दैट इन योर पास्ट लाइफ यू मस्ट हैव सर्टेन डिसकंफर्ट और ट्रॉमेटिक इन्फ्लुएंस रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। और इसके फिर बड़े सारे जो आप बोलते हो ना कि स्नेक क्या कर रहा है, दिस ऑल रिफ्लेक्ट्स यू, वेदर स्नेक इज अप्रोचिंग यू और वेदर यू आर चेजिंग द स्नेक, वेदर यू आर सराउंडिंग विद द स्नेक, अटैकिंग द स्नेक, ये सब के ऊपर फिर एक उसका एक अपना है। तो ये एक जस्ट एक छोटा सा बताया कि इंटरप्रिटेशन आप जहां देख रहे हो, आप उठा के देखोगे बहुत सारे केसेस में जहां चाइल्डहुड सेक्सुअल ट्रॉमा का केस आएगा, यू विल फाइंड ड्रीम्स ऑफ ए स्नेक। समटाइम्स इफ समवन इज गेटिंग हैरेस्ड इन द ऑफिस, यू विल फाइंड ड्रीम्स ऑफ ए स्नेक। और यहाँ पे ड्रीम ऑफ ए स्नेक के लिए ना हम लैक कैनाइनम प्रिस्क्राइब करते हैं, ना हम लैकेसिस प्रिस्क्राइब करते हैं, वी हैव टू प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन दैट रिएक्शन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये एक दूसरा एग्जांपल दिया था अनसीन फेनोमेना का। हाँ, आपके पिछले सब्जेक्ट में टांग अड़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लीजिए।